हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सीजी जॉब 2.0 छत्तीसगढ़ पर। दोस्तों, आज हम फिर छत्तीसगढ़ के एक और जिले से यहाँ पे एक और रिक्रूटमेंट लेकर उपस्थित है दोस्तों, जिसमें कि 60 पदों पर भर्ती होने वाला है। तो जानेंगे कौन से पद है जिसमें कि 60 पदों पर भर्ती होने वाला है। इसमें दोस्तों स्नातक और स्नातकोत्तर पास भर्ती इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो कहाँ से आवेदन करेंगे, किस प्रकार से आवेदन करेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा दोस्तों। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि रोज़ आपको इसी प्रकार से नए नए जिलों से नए नए भर्ती विज्ञापनों के बारे में जानकारी प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों, अगर आप स्नातक पास हो चुके हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, आपके लिए यह बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एक रोजगार का अवसर दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते दोस्तों, और यहाँ पे वीडियो का अवलोकन हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है, यहाँ पे आज का जो रिक्रूटमेंट है जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ के तरफ से यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, जिसमें कि उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समिति द्वारा आत्मानंद विद्यालय में अलग अलग जिले के जो 10 उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है वहाँ पे भर्ती होना है उसके संबंध में है। इसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पे जो भी शैक्षणिक योग्यताधारी कैंडिडेट है वो अभ्यर्थी दिनांक 27 सितंबर 2022 दिन मंगलवार को स्थान स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलरामपुर में उपस्थित होकर अपना आवेदन पत्र जो है प्रस्तुत कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले है रामानुजगंज के लिए, जिसमें की व्याकता सहायक शिक्षक गणित भौतिक वाणिज्य कला समूह विज्ञान समूह के लिए यहाँ पे भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें की हम व्याकता के लिए बात करें वेतन की तो सभी में दोस्तों 38,100 रुपया व्याकता पद के लिए दिया जाएगा, सहायक शिक्षक पद के लिए जो है 25,300 रुपया इसमें दिया जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए जारी हुआ है। उसके बाद है दोस्तों बलरामपुर के लिए है, जिसमें देख सकते हैं व्याकता शिक्षक सहायक शिक्षक विज्ञान, यहाँ पे दोस्तों हम शिक्षक की बात करें वेतन तो यहाँ पे आपको 35,400 रुपया जो है शिक्षक पद के लिए दिया जाएगा दोस्तों, जिसमें कि इसमें कुल पद है 3 पद यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। वाणिज्य कला और प्रयोगशाला सहायक के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट जारी है। उसके बाद है वाड्रफ नगर के लिए, तो इसमें जो है आपको कुल 6 पद दिया गया है, जिसमें कि देख सकते हैं सहायक अध्ययन व्याख्याता वाणिज्य के लिए, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक के लिए, सहायक शिक्षक कला समूह विज्ञान समूह के लिए दोस्तों। उसी प्रकार है दोस्तों यहाँ पे सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला सहायक के लिए यहाँ पे जारी हुआ है। अगला है कुसमी के लिए, तो इसमें भी भौतिक वाणिज्य सहायक अध्ययन कला समूह विज्ञान समूह के लिए 5 पद जारी हुआ है। उसके बाद है राजपुर के लिए दोस्तों, जिसमें कि 4 पोस्ट यहाँ पे रिक्त है। उसके बाद है शंकरगढ़, और यहाँ पे रघुनाथ नगर के लिए भी जारी हुआ है, जिसमें कि कुल 14 पद यहाँ पे रिक्त है दोस्तों, जिसमें कि देख सकते हैं आप अलग अलग जानकारी इसमें दिया गया दोस्तों। पीडीएफ का जो डाउनलोड लिंक है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा, तो वहाँ से आप इसका पूर्णतः अवलोकन आप स्वयं से कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है चलगली के लिए, यहाँ पे जारी हुआ है, 5 पद रिक्त है। विद्यालय डौरा के लिए है दोस्तों, जिसमें कि 1 पद यहाँ पे रिक्त है। उसी प्रकार है रामचंद्रपुर के लिए है, और अलग अलग यहाँ पे हम न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं की बात करें तो दोस्तों इसमें अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए जो है यहाँ पे दिया गया है वो योग्यता आपके पास होना चाहिए। तो हम बात करें व्याख्याता हाई स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता एवं व्यावसायिक जो योग्यता है यहाँ पे दिया गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों से जो है यहाँ पे जो संबंधित विषय है उसमें जो है आपका होना चाहिए स्नातकोत्तर समकक्ष या फिर बीएड, यहाँ पे अनिवार्य बोला गया है दोस्तों। समस्त अभ्यर्थियों के लिए पूर्व माध्यमिक शिक्षा यानी कि कक्षा 6वीं से संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो विषय यहाँ पे दिया गया है व्याख्या अंग्रेजी के लिए जो है यहाँ पे दिया गया है कि अंग्रेजी साहित्य से जो है आपका जो है पीजी होना चाहिए। उसके बाद है व्याख्या गणित के लिए, तो गणित या फिर अप्लाइड गणित में भी आपका पीजी होना चाहिए। उसी प्रकार है भौतिक में दोस्तों, तो भौतिक इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड भौतिकी न्यूक्लियर भौतिकी इनमें से कोई भी पीजी होना आवश्यक है। उसी प्रकार से जीव विज्ञान वाणिज्य सामाजिक विज्ञान के लिए जो है पीजी यहाँ पे मांगा गया है संबंधित विषय में, ठीक है दोस्तों। तो उच्च वर्ग शिक्षक के लिए बात करें तो अंग्रेजी के लिए यहाँ पे दिया गया है, इसमें केवल स्नातक उत्तीर्ण मांगा गया है अंग्रेजी साहित्य से। उसके बाद है शिक्षक कला के लिए, तो इसमें राजनीति अर्थशास्त्र इतिहास भूगोल आदि कला संकाय के विषयों पर जो है आपका स्नातक उपाधि यहाँ पे मांगा गया है दोस्तों। और उसी प्रकार है सहायक शिक्षक के लिए योग्यता की बात करें तो सहायक शिक्षक विज्ञान समूह के लिए बात करें, इसमें जो है संबंधित विषय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण केवल यहाँ पे बोला गया है, ठीक है दोस्तों।
तो यानी कि इसमें केवल 12 पास यहाँ पे मांगा गया है, साथ में डीएड अगर है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद है सहायक शिक्षक विज्ञान यानी कि प्रयोगशाला सहायक के लिए, तो इसमें भी उसी प्रकार से बोला गया है कि जो है न्यूनतम 50% अंक से जो है आपका 12वीं विषय जो है विज्ञान होना चाहिए और आपका जो है 50% होना चाहिए 12वीं में। उसके बाद है प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए, तो इसमें भी है या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है 50% से जो है स्नातकोत्तर या फिर समकक्ष बीएड अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण होना चाहिए। प्राथमिक शाला के लिए भी उसी प्रकार से दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे पूरी जानकारी दिया गया है कि अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्तिकर्ता का निश्चय अंतिम होगा। नियुक्ति अंक यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें जो है चयन हेतु पात्र उम्मीदवारों का इंटरव्यू के प्राप्त अंक एवं शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंकों के आधार पर जो है आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों नियुक्ति में अंक विभाजन कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे कि आपकी स्क्रीन में यहाँ पे टेबल शो हो रहा है, तो इसमें शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंक का जो है 80% होगा, इंटरव्यू का पूर्णांक जो है 20 अंक का होगा, कुल योग जो है 100 अंक यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। चयन सूची यहाँ पे आपका इंटरव्यू और जो है आपके शैक्षणिक योग्यता के अनुसार यहाँ पे होगा, तो इसमें पूरी जानकारी दिया गया है, इसका अवलोकन आप कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू हेतु समय सारणी कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है आप इसका अवलोकन कर सकते हैं, जैसा कि आपके टेबल में शो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। पीडीएफ का डाउनलोड लिंक जैसा कि मैंने बताया टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो एक यही अपडेट था दोस्तों, इसके अलावा और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन का प्रारूप भी इस पीडीएफ के अंत में आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही था दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, धन्यवाद दोस्तों।